एम शिल्पा, आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है ये वाला व्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह देती हूँ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग देख पा रहे हैं मैं एकदम रेडी तो हो गई हूँ, और अभी मैं अपनी उंगलियों में जो बचा कुचा नेल पेंट है उसे उठा रही हूँ, क्योंकि नेल पेंट लगाना है मुझे। मतलब हम लोग कल इतना ज्यादा बिजी थे कि मेहंदी भी नहीं लगाना हुआ। राखी खत्म हो जाएगा उसके बाद कहा है भाई को फ्री होके एकदम आराम से क्या कहते हैं मेहंदी लगाएंगे क्या। अभी 30 मिनट बाकी है रक्षाबंधन स्टार्ट होने के लिए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ तब तक नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले तो हम लोग अपने गोपाल जी को लगाएंगे। आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे गोपाल जी कितने क्यूट लग रहे हैं ना। गोपाल जी के लिए भाई ने देखिए यहाँ पे बाला खरीदा है और यहाँ पे एक चेन भी खरीदा है, चांदी का बाला और हार खरीदा है। बाद में भाई ने कहा है जब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा लाइफ में तब गोल्ड का भी खरीद के देगा। तो हमारे गोपू सोना तो कितने क्यूट लग रहे हैं देख पा रहे हैं। अभी इनको भी मैंने राखी नहीं बांधा है, सबसे पहले तो इन्हें ही मैं राखी बांधूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो क्योंकि ये वीडियो तो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो पे जुड़े रहो, लास्ट तक देखते रहो, बाकी के अपडेट्स भी बाद में आते रहेंगे। और कुछ ही टाइम बाकी है राखी स्टार्ट होने में, इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं अपना जो थाली है वो सजा लेती हूँ। सबसे पहले तो मुझे गोपाल जी को राखी बांधना है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले राखी का जो थाली होगा वो सजा ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल और इसमें दे दूंगी थोड़ा सा रोड़ी। ये सब कुछ मैंने जिस दिन राखी खरीदने के लिए गई थी उसी दिन लाया है, तो यहाँ पे रोड़ी भी रख दिया है मैंने। और ये जो क्यूट सा राखी देख रहे हैं ये मैंने नया डिजाइन का राखी लिया है गोपू सोना के लिए। तो कैसा लग रहा है ये वाला राखी जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने प्रदीप भी रख दिया है और मेरा ऑलमोस्ट सारा थाली सजाना हो गया है। यहाँ पे मैंने बाकी भाइयों का भी राखी रख दिया है। ये रहा मेरा थाली का फाइनल लुक, कैसे लग रही हो जरूर कमेंट करना। और हाँ, यहाँ पे दो मिठाई देख के मत सोचना कि मैं सिर्फ दो ही मिठाई रखूंगी, ये तो जस्ट वीडियो के लिए था। तो सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी को अच्छी तरीके से राखी बांध देती हूँ, आप लोग जुड़े रहो। मेरा और मेरा बहन का गोपाल जी को राखी पहनाना हो गया है, अभी बाकी भाइयों को भी पहना दूंगी। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे। बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबानी। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। रक्षा बंधन वादा है या धागा
के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन। अब तक तो आप लोगों ने देख ही लिया है हम लोगों ने कैसे अपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है। इस साल थोड़ा सा खुशियां मिसिंग है क्योंकि मेरी जो बड़ी दी है वो नहीं आ पाई है। वो है कहाँ पता है? वो है छत्तीसगढ़ पे। और अगले साल जो थी वो आई थी, आप लोगों ने अगले साल के व्लॉग पे देखा ही था। लेकिन अगले साल ये जो सामने बैठे हुए भैया है वो नहीं आ पाए थे, वो थे पुणे पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया था अगले साल हम सभी को, इसीलिए इस साल तो वो हाजिर है लेकिन जो मेरी बड़ी दी है वो नहीं आ पाई है, इसीलिए उनका कमी तो है ही। अभी भी मेरी दो भाइयों को राखी बांधना बाकी है। एक है मेरी मेजो बाबा का लड़का और एक है मेरी पीसी का लड़का। वो अभी तक नहीं आया है, लेट कर दिया है। और मेजो बाबा का जो लड़का है उसे बांधने जाना पड़ेगा, उसका तबीयत थोड़ा सा खराब है इसीलिए। और इस साल मैंने अपने दादू को भी नहीं बांधा है। राखी बांध लेने के बाद बड़ी माँ ने ढेर सारा पूड़ी और आलू दम दे दिया है। अभी मैं और भाई ये सब कुछ खाएंगे। ये रहा मेरा पीसी का लड़का जो बहुत लेट करके आया है, अभी मैं इसे राखी बांध लूंगी। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे धरती पे जुड़ जाते। रक्षाबंधन के दिन मैं वीडियो को एंड करना एकदम भूल गई थी, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस साल मतलब 2024 पे हम लोगों ने इसी तरीके से अपना रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है। आप लोगों ने कैसा क्या किया है जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैच के लिए। टाटा।